बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार आईटी एग्जाम 2021 जो 5 सितंबर को होने वाले हैं, लगभग 11 बजे से लेकर के 1:15 तक वो एग्जाम होंगे। उसके लिए BCEC ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से आप एडमिट कार्ड जो है अपने ITI का डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक इस वेबसाइट का दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक पर आप जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आप यहाँ पर आ जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद बस आपको दो चीज़ें करनी है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने फॉर्म भरते वक्त आपको मिला था वो, और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो डालना है। यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए एडमिट कार्ड आप जो देख पा रहे हैं कि डाउनलोड योर एडमिट कार्ड बाय रजिस्ट्रेशन नंबर एंड DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ, आपको इस पर एक बार क्लिक करनी है। आप चाहे तो लॉग इन करके भी आप जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा यही होगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डाल देनी है, जो भी हो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका, वो डालने के बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ आप चूज कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करनी है। उसके जस्ट बाद आपका जो ब्राउजर होगा वो आई की तरफ बढ़ेगा और आपका एडमिट कार्ड जो है आपके सामने डाउनलोड होकर के PDF के रूप में आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। आप जो देख पा रहे हैं इस तरीके से आप डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। आप जो देख पा रहे हैं उसके जस्ट नीचे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका सेंटर जो है वो कहाँ पर है। उसके साथ ही आप जो है आपका एग्जाम जो है यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपका एग्जाम किस दिन है और किस समय तक आपका एग्जाम लिया जाएगा। और यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि आपको एग्जाम से परीक्षा कक्ष में 10 मिनट पहले जो है आपको पहुँचना होगा, अन्यथा आपको जो है एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ आप अपना एक आधार कार्ड जो है उसका जीरोक्स आप लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर पर जरूर जाएंगे। कम से कम एक आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो या पहचान पत्र हो, मतलब कि एडमिट कार्ड के अलावा भी आपके पास एक ऐसी ID प्रूफ जो भारत सरकार ने इशू की है वो आपको लेकर के जाना है। तो इस तरीके से आप एडमिट कार्ड ITI का डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।